तो स्मैकडाउन के बाद जे उसो के ऊपर सेमी ने अटैक कर दिया, वो भी एक लाइव इवेंट में जहां उन्होंने उन्हें मैच कॉस करवा दिया। हार गए जे उसो, क्या है पूरा माजरा वीडियो में करने वाले डिस्कस। इवन दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया के ऑड्स की भी, तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक। प्लस दोस्तों मैं चाहूंगा आप हमें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के ऊपर फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि आप वीडियो के बात कर सकते हैं। वीडियो नेसेसरी है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बात करेंगे रेसलमेनिया के ऑड्स की। सबसे पहले तो अर्ली ऑड्स निकल के सामने आ चुके हैं, बताने वाला हूं कि आखिर किसके जीतने के कितने चांसेस है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैच यहां हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों हमारे अपने बेकी लिंच लीडा एंट्री स्ट्रैटस का, जो कि फेस करने वाली है डैमेज कंट्रोल को। ये मैच दोस्तों हाल फिलहाल में कंफर्म हुआ है एंड गाइस इसके अंदर कोई भी टाइटल ऑन द लाइन नहीं है। इवन दोस्तों बात की जाए लेजेंडरी डिवास की, तो इसके अंदर दोस्तों वही लीड कर रही है -1000 के साथ। डैमेज कंट्रोल चला +500 के ऊपर, बहुत बड़ा अंतर है। आपको बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, प्लस में कम होता है, माइनस में ज्यादा होता है, दैट मीन्स यहां बैकी की टीम जीतने वाली है। इसके बाद 200 जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं काफी ज्यादा पम्प्ड अप हूं। इवन दोस्तों इस मैच के होने के पीछे का रीजन कोई नहीं जानता, लेसनर वर्सेस ओमास। तो गाइस बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, तो गाइस इसके अंदर आप जानते हैं लेस्टर फेस करने वाले हैं द जायंट ओमास को, एंड ओमास का कहना है कि लेस्टर उन्हें उठा नहीं सकता है, तो लेस्टर उठाएगा भी एंड पटकेगा भी। -18 के साथ लीड कर रहे हैं, -1800 है लेस्टर के, ओमास के +600, बहुत बड़ा अंतर है। दैट मीन्स इसके अंदर द बीस्ट ब्रॉक लेस्टर हैवी फेवरेट है जीतने के। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा ना, वो होगा लोगन पॉल का, जो कि फेस करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को। वीडियो के बीच में जिन लोगों को टाइमिंग का नहीं पता है, क्योंकि टाइमिंग भी एक इशू रहता है, उन लोगों को बता दूं 2 और 3 तारीख को आएगा भारत में। एंड दोस्तों इसकी जो टाइमिंग रहेगी सुबह 5:30 बजे की रहेगी। तो इस मैच की बात कर लेते हैं, लोगन पॉल दोस्तों सरप्राइजिंगली लीड कर रहे हैं -200 के साथ, सेथ चले हैं +150 के ऊपर, और मुझे लग भी रहा है कि लोगन पॉल इसके अंदर जीत सकते हैं, क्योंकि जैसे रूमर से बताया जा रहा है कि इनकी राइवलरी थोड़ी और लंबी जा सकती है। एंड लोगन पॉल के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेनिया भी रहने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगले मैच की। इसके बाद जो अगला मैच होना है ना, उसके ऑड्स में आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे गौरव भाई ये क्या बोल दिया। तो ये मैच होने वाला है जॉन सीना का, जो कि फेस करने वाले ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी लीड कर रहे हैं -500 के साथ, जॉन सीना +300 के ऊपर। जी हाँ, यही ऑड्स है और यहाँ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप दाव के ऊपर है। सीना हमेशा से ये चीज़ बोले हैं कि वो नए सुपरस्टार्स की मदद करना चाहते हैं, ऐसे में दोस्तों एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एक ऐसे बंदे के लिए जो कि उन्हें अपना गुरु मानता है। इवन दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी उनकी ऑन स्क्रीन बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में दोस्तों उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ दोस्तों सीना जानबूझ के हार सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑस्टिन थ्योरी को स्टेबलाइज किया जो है मेन रोस्टर में। बात की जाए दोस्तों अपने थर्ड लास्ट मैच की, तो गाइस जो कि थर्ड लास्ट मैच हमारा कंफर्म हुआ है बियंका ब्लेयर का, जो कि फेस करने वाली है आस्का को फॉर रॉ वुमन चैंपियनशिप। तो गाइस बात की जाए हमारी आस्का की, तो आस्का दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर जीत कर आई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहां दोस्तों बात करूं ऑड्स की, ऑड्स में जो हमारी अपनी आस्का है वो चली हुई दोस्तों -200 बियांका चली हुई +150 के ऊपर। दैट मींस यहां आपको ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन होते हुए नजर आएगा, आस्का बनेगी WWE रॉ वुमन्स चैंपियन। बात की जाए दोस्तों अपने नाइट वन के मेन इवेंट की, तो गाइस वो होने जा रहा है शार्लेट फ्लेयर का, जो कि फेस करने वाली है रिया रिपली को। और गाइस ये जो मैच है इसका आधार काफी स्ट्रांग है, रिया रिपली दोस्तों हमारी रॉयल रंबल विनर है, जो कि अपनी चैलेंजर को शार्लेट को फेस करने वाली, काफी पुरानी इनकी स्टोरी लाइन है। और गाइस इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बात की जाए ऑड्स की, ऑड्स में रिया रिपली लीड कर रही है -800 के साथ, और गाइस शार्लेट फ्लेयर चली है +425 ओवर। दैट मींस यहां दोस्तों रिया रिपली बनेगी ब्रांड न्यू स्मैकडाउन वुमन चैंपियन। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो होने वाला है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ WWE, द ट्राइबल चीफ, द नीडल मूवर, द किंग ऑफ किंग रोमन रेंस का, जो कि फेस करने वाले हैं अपने चैलेंजर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। तो कोडी रोड्स एक ऐसा बंदा जो कि AEW में था जस्ट बिकॉज WWE में आ रखा है, ताकि वो अपनी कहानी को पूरी कर सके। कहानी बस इतनी सी कि बाप कभी WWE चैंपियन नहीं बन पाया, तो बेटा बनना चाहता है। ट्राइबल चीफ का मानना है कि बाप एक लूजर था और बेटा भी एक लूजर होगा। मैच की बात की जाए, मैच काफी तगड़ा है स्टोरी लाइन वाइज दोस्तों। डेब्यू वालों ने इसका बिल्डअप उतने अच्छे से अभी तक नहीं किया है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में हो जाएगा।
और यहां ऑड्स 200 शॉकिंगली कोडी के पक्ष में चल रहे हैं, -550 के साथ कोडी लीड कर रहे हैं। रोमन रेंस है +325 के ऊपर। अगर ऑड्स सच साबित होते तो यहां आपको मिलेगा WWE का ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड किंग जो कि कोडी रोड्स होंगे। बट यहां दोस्तों ऑड्स एंड मूवमेंट पर भी चेंज हो सकते हैं, एंड अभी दोस्तों 2-3 से 4 मैचेस और भी कंफर्म्ड होने हैं जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और उनके ऑड्स दोस्तों हम आए गए हफ्तों में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप WHG पहली बार देख रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम इस वीडियो के सेकंड टॉपिक की जो कि खबरों से, भाई खबरें काफी ज्यादा मेन है आज। तो लैस्नर दोस्तों परसों की रॉ में कन्फर्म हो चुके हैं, और वहां दोस्तों उनका सेगमेंट बताया जा रहा है ओमास के साथ है। ओमास वर्सेस लैस्नर दोस्तों एक ऐसा मैच है जो कि बहुत ज्यादा दोस्तों हाइप्ड अप है। अगर दोस्तों आप इस मैच के व्यूज या फिर कह लीजिए इसके बिल्डअप के व्यूज यूट्यूब पर जाकर देखेंगे ना WWE के, तो मिलियंस में है। और मैच तो दोस्तों देखना ही चाहते हैं लोग, लेकिन हाँ इसकी स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाले इस मैच को भुनाना चाहते हैं, और लैस्नर को फिर से रॉ के लिए बुक कर दिया गया जो कि इस अपकमिंग रॉ में आएंगे, फेस ऑफ होगा, और मेरे हिसाब से ओमास को सुप्लेक्स जरूर लगेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकेंड न्यूज़ की, और सेकेंड न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने उसो से। तो जे उसो ने दोस्तों सेमी जेन को नेक्स्ट वीक फाइट के लिए चैलेंज कर दिया इनडायरेक्ट वे में। दरअसल दोस्तों आफ्टर दिस मैडाउन इंटरव्यूज हुए बहुत सारे सुपरस्टार्स के, उनमें दोस्तों उसोस भी शामिल थे। इस इंटरव्यू में दोस्तों जो हमारे अपने जे उसोनों ने साफ साफ शब्दों में क्या चीज कही है, ए सेमी नेक्स्ट वीक आई एम गोना सी यू इन द मिडल ऑफ द रिंग सो पुल अप, यानी कि मैं तुझे रिंग में देखना चाहता हूं, माना नेक्स्ट वीक मैं तुझे फेस करूंगा, तो तैयार रहियो। तो जे उसो ने चैलेंज कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए, और गाइस नेक्स्ट वीक होने वाला जे वर्सेस सेमी जो कि बहुत ही तगड़ा मैच जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने लैस्नर की। लैस्नर दोस्तों फिर से खबरों में आ चुके हैं, रीजन है लैशली। तो लैशली की मेन खबर है, लैशली ने इंटरव्यू दिया है WWE के सोनी स्पोर्ट्स वालों को, सोनी इंडिया वालों को खासकर, और उसमें वो क्या चीज बोले हैं, उसमें बोले हैं कि मुझे लैस्नर के साथ टैग टीम बनानी है। वही चीज़ बोले कि देखो बात इतनी सी है कि अभी तक मैं उसका ओपोनेंट रहा हूँ, हमारी 3 फाइट रही है, मैं चाहता हूँ कि लैस्नर मेरे साथ टैग टीम बनाए और हम पूरे के पूरे रोस्टर को डोमिनेट करें, हम मॉडर्न डे रॉड वॉरियर बन सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कह दी है, और वो इनविंसिबल हो जाएंगे अगर ऐसा होता है। मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है तो उसोस की छुट्टी है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, क्या लैस्नर का रिप्लाई आता है इस पर। बॉबी लैस्नर ने तो कह दिया है। बात की जाए दोस्तों रे मिस्टर को हॉल ऑफ फेम की, तो रे मिस्टर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कौन करेगा, एक ऐसा सवाल जो कि आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, आप लोग सोच भी रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता कंफ्यूज हो। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कौन होने वाला है जो कि उन्हें इंडक्ट करेगा। तो बताया जा रहा है दोस्तों कोनान उन्हें इंडक्ट करने वाले हॉल ऑफ फेम में। कोनान के संबंध WWE के साथ उतने अच्छे नहीं है, लेकिन स्टिल रे मिस्टर ने ट्रिपल एच से कहा कि मुझे कोनान ही चाहिए जो कि उनका होमी है, और वो दोस्तों उन्हें इंडक्ट करेगा वहां। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने बिगी की, तो बिगी का रिटर्न हर कोई देखना चाह रहा है, और बिगी दोस्तों काफी समय से नहीं दिखाई दे रहे। हाल ही में बिगी ने चीज बताई कि मुझे अब पेन नहीं हो रही है, मुझे नो पेन भी नहीं हो रही है, लेकिन मैं नहीं जानता मैं रेसल कर पाऊंगा कि नहीं, अगर कर पाया तब भी ठीक, नहीं कर पाया तब भी ठीक। तो बिगी दोस्तों काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों बिगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आएंगे कि नहीं। उसोस की बात करते हो, फिर से हम उसोस को डिस्कस कर रहे हैं। उसोस ने दोस्तों रिकॉर्ड ही ऐसा बना दिया कि डिस्कस करना पड़ रहा है। 600 दिन दोस्तों इन्हें ऑफिशियली कंप्लीट हो गए, मैंने बताया था होने वाले हैं, और ऑफिशियली कंप्लीट भी हो गए, तो कूडोस टू उसोस। बात की जाए दोस्तों अब आज की अपनी सेगिलास न्यूज़ की, सेगिलास न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे WWE के उन सुपरस्टार से जिन्हें फॉक्स स्मैकडाउन पर नहीं देखना चाहता है। लिस्ट दोस्तों निकल कर सामने आई है उन सुपरस्टार की जो कि स्मैकडाउन से जा सकते हैं, और इनमें नाम है सबसे पहला रोंडा, दूसरा नाम हिटरो, तीसरा केरिन क्रॉस। तो ये तीनों फॉक्स नेटवर्क वालों को नहीं पसंद आ रहे, और ऐसे में इन्हें ड्राफ्ट किया जा सकता है। बात की जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज के मैच जुड़ी है दोस्तों हमारे सेमी जेन के अटैक से। सेमी जेन ने अटैक कर दिया है दोस्तों जे उसो के ऊपर। कल आपने स्मैकडाउन में देखा था कि वहां अटैक हुआ था कोडी के साथ मिलकर दोस्तों, जो सेमी अटैक किए थे उसो पर, लेकिन एक और मैच लूज करवा दिया है जे को, और जे इसीलिए गुस्सा हो रखे हैं। दरअसल दोस्तों ये मैच लाइव इवेंट में हो, और इसके अंदर रे मिस्टीरियो, शेमस, एंड्रू फेस कर रहे थे हमारी ब्लड लाइन को, सोलो थे एंड उसोस थे। मैच के अंदर होता गया है कि एंड में कि वहां सेमी का थीम सॉन्ग प्ले हुआ जब जे ने कंट्रोल पा लिया था, और रेफरी देखने लगा रैंप की ओर, लेकिन सेमी आए पीछे से धक्का दे दिया जे को, एंड जे दोस्तों वहां रोप पर जाके गिरे, जिसके बाद उन्हें लग गया तगड़े वाला 619 और 1-2-3। रे मिस्टीरियो एंड कंपनी वहां जीत जाती है, जिसके बाद उन्होंने मौका भी दिया है सेमी को बदला लेने का। सेमी ने जे के ऊपर हुआ किक भी लगाई है। कुल मिलाकर
बदला ले लिया गया, लेकिन नेक्स्ट वीक क्या होगा, रोमन रेंस का क्या रिएक्शन होगा वो जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो आज कितनी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।